भगवान राम की नगरी अयोध्या में यूपी तक आपका स्वागत करता है। यूपी तक उत्सव 2023 17 और 18 मार्च को राम की पैड़ी अयोध्या में शाम 3 बजे से। एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे। जब मनुष्य के खुराफाती दिमाग में लाइन आई होगी तो सबसे पहले ख्याल यूपी के युवकों की आई होगी, वो भी खासकर गाजीपुर के लड़कों की। देखिए मोहब्बत की इंतहा तो देखिए, एक ही दिल था गाजीपुर का, वो भी चुरा ले गए। वैसे ये मोहब्बत अकेली नहीं है, पूरे गैंग को इस दिल से मोहब्बत है। आप मेहनत मत करिए, हम आपको एक एक को गिन कर दिखाएंगे। पहले आई लव गाजीपुर में से दिल की चोरी एक आशिक करता है, उसे करते हुए एक आशिक अलग से निहार रहा है। वहीं दिल के इंतजार में 3 आशिक मोटरसाइकिल पर बैठे हैं। बड़े ही करीने से आशिक गाजीपुर के दिल को इन 3 आशिकों को सौंप देता है। ऐसा लगता है कि दिल जले का अजय देवगन है। अजय देवगन से याद आया कि अभी इस दिल को लुभाने के लिए और भी आशिक आगे इंतजार में है। बकायदा बाइक से स्टंट करके पूरे दिल को जीतने की कोशिश करते हैं। अब जरा खुशी देखिए इन प्यार में पड़े आशिकों की, जिन 3 के पास दिल है वो कितने खुश हैं। वहीं इस खुशी में शामिल बुलेट सवार कुछ और भी हैं। एक बुलेट है और 5-5 बैठे हैं। ऐसा लगता है कि जितनी मोहब्बत इन्हें गाजीपुर के दिल और बाइक से है, शायद अपनी जिंदगी से नहीं है। एक बार फिर आप इस लम्हे को जरा गौर से देखिए। दरअसल मामला गाजीपुर जिले के शहर लंका मैदान का है। यहाँ 2 महीने पहले ही मुख्य मार्ग पर सेल्फी पॉइंट की जगह आई लव यू गाजीपुर बनाया गया। लेकिन दिल तो बच्चा है जी, और बाकी सब अपना है जी के प्रभाव में आकर आशिक इसे उड़ा ले गए। वीडियो वायरल हुआ तो रोमियो स्क्वाड से भी खतरनाक गाजीपुर पुलिस ने भन्न से आशीष यादव, अभिजीत कुमार और सुमित पांडे को गिरफ्तार कर लिया और इनकी गाड़ी भी सीज कर दी। लेकिन अब भी एक आरोपी तो फरार ही है। जो लंका ग्राउंड में सेल्फी पॉइंट है, उसका एक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट हुआ था, जिसमें कुछ लोग उद्दंडता कर रहे हैं और एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर भी फ्लैश हुआ था उस पर वो सवार थे। 4 लोग सवार थे। हर तरीके का उल्लंघन था, क्योंकि सरकारी संपत्ति के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। इसके अलावा मोटरसाइकिल पर 4 थे, बिना हेलमेट के थे। जैसे ही ट्विटर हैंडल के माध्यम से पुलिस की जानकारी में आया, तुरंत पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए उस मोटरसाइकिल को, उसके सवार लोगों को पकड़ा तथा नगरपालिका की तरफ से जो भी उसमें तहरीर दी गई थी उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में उसमें पंजीकृत करके उन सभी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। वैसे लगता है कि गाजीपुर के इन सच्चे आशिकों को देखकर ही कभी आनंद बख्शी साहब ने लिखा था, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।